दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम एक फीडर का ये मॉडल बना रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने किस प्रकार इसकी ट्रेसिंग करी है। इसकी जो आउटलाइन है उसको हमने रेड कलर की वेक्टर लेयर में रखा है, और जो उसकी इनर लाइनिंग की जो डिटेलिंग है ये ब्लैक कलर में, उसको ब्लैक कलर की रीफ लेयर में रखा है, ठीक है। और किस प्रकार हमने इसे क्रॉस सेक्शंस वगैरह बनाए वो भी आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसको हम किस प्रकार लेयर्स में लेके बना सकते हैं, ओके। और किस प्रकार हमने स्मूजिंग स्मज का यूज किया ये लेयर की जो शेप है उसको मिलाने के लिए यहाँ पे, वो भी आपने देखा है। और यहाँ पे इरेज का हमने जो यूज किया था वो भी हमने देखा। अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी मैं एक लेयर और लेता हूँ उसकी लाइनिंग के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेयर हमारी कंबाइन मोड और ऐड ऐड की इसमें है, ठीक है। हमारा जो अभी कंबाइन मोड है वो ऐड में है। जो भी हम लोग 3D बनाएंगे इस लेयर में वो ये सभी बाकी की लेयर के ऊपर ऐड हो जाएगा, ये उसका अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसकी लाइनिंग वाली जो है वेक्टर्स उसको मैं ऑन कर देता हूँ, और ये जो आउटलाइन है उसको मैं उससे पहले ये जो क्रॉस सेक्शन हमने बनाए इसको भी हम लोग मूव कर देते हैं रेड कलर की वेक्टर लेयर जो कि लेयर वन है, ठीक है। उसके बाद मैं ये ब्लैक कलर की वेक्टर्स ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पिंक कलर की भी वेक्टर की हमें अभी जरूरत नहीं है क्योंकि उसका काम भी यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की जो हमने बनाई है वो नंबर ऑफ ये है कितने की उसकी, मतलब उसके अंदर की जो ये जो लाइनिंग्स है उसको क्या क्या कितने नंबर्स में है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे डेल्स एंड रो मतलब शिखर और ये दरी जो है वो कितने हैं, नोड्स एंड इंटर नोड्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ क्रॉस सेक्शन बनाए हैं, उनको मैंने टूल का रिसेस जाने के लिए यहाँ पे एक हल्का सा, अगर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बाजू में रखेंगे तो यहाँ पे टूल के लिए एक स्पेस बन जाता है। तो जब भी हम लोग टूल स्वीप में ये क्रॉस सेक्शन स्वीप करेंगे तो हमको एक परफेक्ट डिटेलिंग के हिसाब से हमको फीडर की जो लाइनिंग है वो हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी चालू करते हैं इसकी 3D की काम का, ओके। अभी देखिए यहाँ पे ये सिर्फ राइट साइड लेफ्ट साइड में ही ये यहाँ पे एक कर्व डाला है, ठीक है। और अगर ये वाली कर्व की क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इसके दोनों तरफ कर्व डाला हुआ है, ठीक है। और ये लेफ्ट इसके राइट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये वाला यूज करना है। और एक हम लोग यहाँ पे बना देते हैं विदाउट एनी कर्व्स, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। अभी इस केस में हमें राइट साइड में वो ये चाहिए कॉन्स काउंट्स या फिर कर्व, ये जो टूल के रिसेस के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले तो टूल रेंज व्यू का यूज करूँगा, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे ऐड करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐड हो गया है। तो ये क्रॉस सेक्शन ऐड हुआ है, पर इसका जो कर्व है वो कौन से बाजू में आया है तो हमें यहाँ पे समझ नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये नीचे वाली जितनी भी लेयर्स है उसको हम लोग कुछ समय के लिए ऑफ कर देते हैं, वापस में यहाँ पे ये वाला क्रॉस सेक्शन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रॉस सेक्शन ऐड हो गया है, ठीक है। इसके ये बाजू कर है, थोड़ा पिक्सेल का प्रॉब्लम है इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये हम लोग देखते हैं अभी टॉलरेंस लिमिट, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये दो ज्वाइन करने के हैं, ठीक है। ये भी चेंज कर दिया,
यहाँ पे सॉरी रिजोल्यूशन स्मॉल रिजोल्यूशन ये भी हम लोग हाई पे कर देते हैं। फिर हम वापस ट्राई करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस सेक्शन लेके यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है यहाँ पे आपको मशाइन मोड में ऐड कर देता है। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे एक दो तीन रोज है, ये तो हमने यहाँ का बना दिया ये एक दो तीन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे एक तीन का ये बना के रखेंगे, जैसे कि ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड होगी। ठीक है ये उसकी मिडल हो गई और एक राइट की हो गई ये वाली, ये तीनों का मिला के बन जाएगा। ये तो एक कॉपी का एक रख दीजिए, तीनों को मिला के हमारा एक वेक्टर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ठीक है तो इसको हम लोग सिमिलर वे में टू एच में यूज करके यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन ऐड कर लेते हैं। ये जब भी आप ये अप्लाई करेंगे तो आपको एक देखना है कि ये जो रेल है एक ही डायरेक्शन में दिशा उसकी दे, एक ही डायरेक्शन में वो पॉइंट पॉइंट आउट रखे। ठीक है ठीक है इन द सेम वे आपने को यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये नंबर ऑफ ये है उसको गिन के आपको एक तो तीन का या फिर चार का या फिर पांच का ये ऐसा सेगमेंट बना के टू रेल स्वीप का यूज करके आपको ये बनानी बना के लेने का है। ठीक है अभी मैं वो बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो सेगमेंट का है तो यहाँ पे मैं सिंपली अभी हर बार तो हम लोग ऐसा नहीं करते बैठेंगे, सिंपली यहाँ पे मैं एक ही बार ये कर देता हूँ। सिंपली यूज करके इस प्रकार आप ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरा का पूरा इसका टू रेसिप यूज करके ये फिगर तो बना दिया। अभी ये जो आउटलाइन हमने ड्रॉ करी थी उसका हम लोग यहाँ पे यूज करके पहले तो आप उसको ज्वाइंग विद सिमिलर कर कर लीजिए ये, और ये यहाँ से सॉरी जोड़ दिया। अभी जितने भी आउटलाइन के बाहर है उनको हमको डिलीट करना है। देखिए हर एक लेयर में जाकर हम लोग जीरो आउटलाइन डिटेक्ट करेंगे। ठीक है आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जीरो आउटसाइड का वेक्टर किया। ठीक है इन द सेम वे उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, ये जो रिलीफ है इसको आप फ्लिपकार्ट लाइब्रेरी में टेक्सचर के टाइप में आप उसको डाल सकते हैं, या मैं टेक्सचर टाइप में इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम लोग वापस इसको इम्पोर्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है तो वापस मैं यहाँ पे जीरो ऑप्शन डिलेक्ट करता हूँ। ठीक है जितने भी प्लस वाली ये है इनमें आपको सेम चीज करनी है। ठीक है ये वाली लेयर में भी आपको सेम करना है। ठीक है ये आपका हो गया। अभी जो है हम एक एक लेयर को यहाँ पे ऑन करेंगे। देखिए हमने लेयर्स को ऑन किया। अभी सिमिलर वे में हम इनको भी आउटलाइन की हिसाब से कट कर लेंगे। ठीक है तो यहाँ पे मैं ये फर्स्ट वाला यहाँ से देखिए मटेरियल हट गया, ये वाले को भी हम लोग सेम लेंगे। तो देखिए अब ये यहाँ से भी ठीक है सेकंड पे आते हैं। सेकंड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मटेरियल था वो उड़ गया। उसके बाद फर्स्ट वाला एक जीरो आउटसाइड द वेक्टर करेंगे, आप देख सकते हैं ये यहाँ से भी मटेरियल उड़ गया। ठीक है और फिर लास्ट लेयर रिलीफ लेयर में ये वाला भी मटेरियल उड़ जाएगा। ठीक है इस प्रकार आप देख सकते हैं ये हमारा ये फीडर जो है ये भी परफेक्टली हमारा रेडी हो चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों आप ये कोई भी टाइप का ये फीडर वगैरह रहेगा तो आप ये इस प्रकार उसको आप बना सकते हो। ठीक है आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डिजाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ बनाना हो या फिर मॉडलिंग में कुछ टिप्स वगैरह चाहिए रहेंगे या फिर कुछ क्यूरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत सारा शेयर करिए। धन्यवाद।